कायदा संस्कार तमीज सब घर छोड़ कर आए हो, खड़े क्यों नहीं होते? अरे गुरुजी, इसे जोर से पॉटी लगी है। पॉटी लगी है तो यहाँ काहे बैठे हो महाराज? जा जल्दी, यही करेगा। अब जल्दी जा, फौरन आ। किसका टुनटुना बजा? मैं पूछ रहा हूँ किसका टुनटुना बजा? पगलाइती छाई है सबको। हमारी साइकिल रोज कोई पंचर कर दे रहा है। हमको पता है इसी क्लास का कोई लौंडा है। आज तो खैर नहीं किसी की, टेस्ट की कॉपी चेक हो गई है, नंबर आ गया है। गुरुजी, कौन टॉप किया है क्लास में उससे पार्टी ली जाएगी। पार्टी पार्टी पार्टी, सबके सब फेल हो। जब पढ़ाया जाता है क्लास में तब अक्का बक्का तीन तला हुआ खेला जाता है, लव लेटर खेला जाता है। कुछ पढ़ाता वढ़ाता तो है नहीं, तो कहाँ से पास हो जाएंगे? जब देखो तब सोता ही रहता है क्लास में आके। ज्यादा मत बोल, नहीं तो सुन लिया ना तो सूत के रख देगा। का खसर फसर चल रही है, खड़े हो जाओ दोनों के दोनों। सर, ये आपको कह रहा है कि आप पढ़ाते धड़ाते तो हो नहीं, केवल सोते रहते हो क्लास में। खड़े हो जाओ तुम, आज तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। क्या नहीं पढ़ाते हैं जरा बताओ? तुम ही हो ना जो रोज मेरी साइकिल पंचर करते हो। नहीं गुरुजी, हम नहीं करते, वो तो सोनू करता है। सोनू कहाँ है? सर, सर जी, यहाँ है सोनू। बोलो कहाँ है, साइकिल पंचर करते हो हमारा? हमको देखे हो का पंचर करते हुए जो बोल रहे हो? आगे से इल्जाम लगाने से पहले सोच के बोलना, पापा पुलिस में है, जानते हो ना। अगली बार जिस किसी को देख लिया ना पंचर करते हुए, सीधा प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे। प्रिंसिपल सर वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं, 3 हफ्ते बाद आएंगे। किसने बोला ये? भलाई इसी में है, खड़े हो जाओ चुपचाप, एक कंटाप खींच के देंगे ना, सारी बत्ती सी बाहर निकल जाएगी। क्या रोल नंबर है तुम्हारा? रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 है और 1 नंबर भी नहीं पाए हो टेस्ट में। पूछा गया है भारत कब आजाद हुआ, उत्तर लिखे हो हमारे दादा से जाकर पूछो। हाँ तो हम पैदा हुए थे उस टाइम में, जो हमको पता होगा। अरे उस समय तो गुरुजी आप भी पैदा नहीं हुए थे। सर, मे आई गो टू टॉयलेट? कितनी बार टॉयलेट जाते हो दिन में भैया? जब देखो तब सर मे आई गो टॉयलेट। सर 15 से 20 बार। काहे? सर पेट में पथरी है, डॉक्टर ने बोला पानी पियो और मुंह तो बस। फौरन जाओ, तत्काल आओ। तुम खड़े हो जाओ, कल टेस्ट था, काहे नहीं आए? डेंगू हो गया है। कल डेंगू हुआ, आज ठीक भी हो गए, वाह। हमको नहीं, हमारी भैंस को डेंगू हो गया है, भर्ती है हॉस्पिटल में। कल भी नहीं आएंगे। कल डिस्चार्ज हो रही है भैंस हमारी। तुम काहे नहीं कल स्कूल आए? दद्दा मर गए थे हमारे। अरे 2 महीने पहले तुम्हारा दद्दा मरे थे? हम तुम्हारे यहाँ 13वीं की पूड़ी खाने भी आए थे भाई, हमें अच्छे से याद है। हाँ गुरुजी आए थे, कल हमारे छोटे दद्दा मर गए। 5 तारीख को 13वीं है, पूड़ी खाने आ जाना। भलाई इसी में है, पास कर देना, नहीं किए तो सोच लेना। रोल नंबर नहीं लिखा इस पर, यह किसकी कॉपी है? चुपचाप खड़े हो जाओ अपनी डेस्क पर। सबके सब अपना अपना फेयर कॉपी निकाल लो, राइटिंग से मिलाना होगा। तुमको इतना पसीना काहे हो रहा है बे? तुम लिखे हो का? नहीं यार, तब काहे पसीना हो रहा है? हमने तो लिखा है अगर नंबर नहीं दिया तो उन गलियों में रखना ना कदम जिस गली से होकर घर जाती हो। तुमको पता है जब ये मारता है तो चटनी बनाकर छोड़ता है, काहे लिखे बताओ? हमने सोचा कि डर जाएगा। और लिखो, आज तो बेटा तुम गए।
ए, क्या हल्ला हो रहा अभी? लगता है गुरुजी टै बोल गए। नहीं भैया, टै नहीं बोले हैं, केवल बेहोश हुए हैं। सांस नहीं चल रही है, टै बोल गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आज मरे तो 13वें कब पड़ेगी भैया? 7 तारीख को। चलो अच्छा है, सबको पूड़ी खाने को मिलेगा। चलो उठाते हैं। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य। कहाँ ले जा रहे हो? फूकने और कहाँ। राम राम सत्य, मरे नहीं तो मार दिए जाओगे। बहुते सूते हो हम सबको। राम राम, बचाओ बचाओ।